देखो ट्रैफिक देखो। आया हटिया हटिया यहाँ से हटिया हटिया यहाँ से रास्ता छोड़ दो यहाँ से रास्ता छोड़ दो ये रास्ता छोड़ो। हाँ भाई लोग जो है बैठे हैं आप तमाम लोगों के बीच में मैं भाषण देने नहीं आया हूं, आप तमाम लोगों से जज्बा लेने आया हूं, आप तमाम लोगों से हिम्मत लेने आया हूं, आप तमाम लोगों की बहादुरी को अपने अंदर लेने आया हूं। क्योंकि अगर आज दो महीने बाद हमारा एहतजाज हमारे ये मूवमेंट अगर यहाँ तक आया है तो हुकूमत का घुटने जाता है क्या बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ करके जाता है तो हमारे देश की औरतों को हमारी माओ को बहनों को नानियों को और दादियों को जाता है। मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं बस शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि कैसे दौर में जहां हमारे देश के आईन देश के लोकतंत्र को देश के भाईचारों को टुकड़े टुकड़े में तोड़ा जा रहा है, जो जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर उठाई है और जिस लड़ाई की लीडरशिप में आप लोग आए हैं, अगर इस लड़ाई में आप लोग आगे नहीं आए होते तो आज दो महीने बाद जिस मुकाम पर आप खड़े हैं ये बात मुमकिन नहीं होती। जितना शुक्रिया अदा करा जाए वो कम है आप लोगों का। आज हमारे देश के अंदर डर को फैलाने की एक कोशिश है सरकार की तरफ से, और आज से नहीं जब से 2014 से इनकी हुकूमत आई जब से ही उनकी कोशिश है कि देश के अंदर डर का माहौल पैदा किया जाए। अगर कोई सरकार से सवाल उठाए तो उसको जेल के अंदर बंद कर दो, उस पर झूठे मुकदमे लगवा दो, उसकी पिटाई करवा दो, उसको देशद्रोही घोषित करवा दो। ये कुछ सब कुछ पिछले 5 साल से चल रहा है। 5 साल से हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को भीड़ द्वारा लोगों की हत्याएं करी गई, लोगों को मारा गया। जिन लोगों ने मारा वो लोग वीडियो बना के वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे, क्या कोशिश कर रहे थे आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा झारखंड से तबरेज अंसारी का, एक 19-20 साल का लड़का जिसको बांध दिया पोल से बांध दिया 11 घंटे तक पीटा, पुलिस आई नहीं जब वो पिट रहा था, 11 घंटे बाद पुलिस आई और पुलिस ने आके जो लोग उसको पीट रहे थे उनको गिरफ्तार नहीं किया, जो पिट रहा था उसको गिरफ्तार करके ले गए अस्पताल नहीं लेके गए जेल में भेज दिया, 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। जब वो दर्दनाक वीडियो आप तक पहुंचा होगा, जब वो दर्दनाक वीडियो मुझ तक पहुंचा था, जब वो गिड़गिड़ा रहा है रो रहा है कि मुझे बचा लो, जब वो वीडियो जब पहलू खान का एक बुजुर्ग आदमी जिसको हाईवे पर पकड़ के पीट रहे थे और ये बोल रहे थे तुमने गाय की हत्या करी और तुम गाय लेके जा रहे हो और पीट पीट के मार दिया, जब वो वीडियो पूरी तरफ पूरे देश में घूमते हैं तो उन वीडियो के चलते खौफ का माहौल एक डर का माहौल पैदा होता है। सरकार को भी ये लगा, खासतौर से 2019 में जब से इनकी हुकूमत वापस जीत कर आई तो इनको लगा कि पहले 5 साल में हमने डर का माहौल इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हम एक के बाद एक संविधान पे अपने आईन पे इस देश के आईन पे हमले करेंगे और देश के लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। कश्मीर के अंदर 370 हटाया गया उसका विरोध नहीं हुआ तो इनका घमंड इनका अहंकार और ज्यादा बढ़ गया।
इनको लगने लगा अब हमारा विरोध हमारी मुखालफत करने की इसके अंदर हिम्मत नहीं रह गई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अयोध्या का, उस जजमेंट में लिखा है 1992 में जो हुआ वो एक क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन वही जजमेंट जो बोलता है कि बाबरी मस्जिद गिराना क्रिमिनल एक्ट था, उन्हीं लोगों को वो जमीन दे देता है। कोई विरोध नहीं हुआ, कोई विरोध की आवाज नहीं आई, तो इनको और लगा कि मजलूमों का, कमजोरों को हमने इतना कमजोर कर दिया है, इतना मजलूम कर दिया है, इतना बेबस कर दिया है, क्या इनकी हिम्मत नहीं होगी हमारा विरोध करने की। उस सब के बाद ये सीए लेकर आए, उसी अहंकार में, उसी सोच में क्या हमारा विरोध नहीं कर सकता, अब विरोध करने की हिम्मत नहीं रह गई। जब शुरुआत में विरोध शुरू हुआ तो जामिया मिलिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आपने वो तमाम वीडियो देखे होंगे कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के लोगों को मार रहे थे, यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, उनकी तरह उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था जैसे कि वो आतंकवादी हो। एक बहुत खतरनाक फोटो उस रात के जामिया मिलिया इस्लामिया का था कि लाइब्रेरी के अंदर पहले जाके स्टूडेंट्स को पीटा और उसके बाद लाइब्रेरी से हाथ खड़े करवा के उनसे निकलवा रहे थे और एक एक करके पुलिसों को डिटेन करके ले गई जैसे आतंकवादियों को डिटेन करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब शुरुआत में विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने गोलियां चलाई, गोलियां बरसाई, लोगों को घर में घुस के मारा, बुजुर्गों को मारा, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, और इनको लगा इनके डंडों से, इनकी गोलियों से, इनकी पिटाई से, इनके जेल से लोग डर जाएंगे और हिम्मत नहीं करेंगे बाहर निकलने की। उस दौर में आप तमाम बहनों ने, आप तमाम माओं ने शाहीन बाग में, और देश में जो 50 शाहीन बाग है, चाहे वो मुंबरा में हो, चाहे वो भिवंडी में हो, चाहे वो कल्याण में हो, चाहे वो लखनऊ के घंटाघर में हो, चाहे वो रांची में हो, चाहे वो बिहार के उतनी सारी जगहों पे हो, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, पूरे देश के कोने में जो 60-70 शाहीन बाग है और जो हमारी माँ है, हमारी बहने है, आपने निकल के इस सरकार को मजबूत किया है, निकल के सरकार को एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज इतना सिंपल सा है कि लोकतंत्र में लोगों को सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार को लोगों से डरने की जरूरत है। द पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ द पीपल, बिकॉज वी इलेक्टेड देम, हमारे वोट से उन्होंने सरकार बनाई है, अगर हम चाहें तो जैसे उनकी सरकार बनाई है आने वाले दिनों में उनकी सरकार गिरा सकते हैं और ये डर उनको होना चाहिए। इनको लगने लगा था ये बहुत बड़े हैं, ये क्या गलती कर चुके थे, अपने आप को खुदा समझने लगे थे। तो वो जो पुराना शेर है मैं सुनाना चाहूंगा, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कान खोल के सुन ले कि तुमसे पहले जो यार तख्त नशीं था उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था, तुमसे पहले जो यार तख्त नशीं था उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था, जब फिरौन गिर गया तो तुम किस खेत की मोली हो, जब फिरौन की हुकूमत नहीं चली, जब तानाशाहों की हुकूमत नहीं चली, जब इंदिरा गांधी की हुकूमत नहीं चली, तो ये दो टके का तानाशाह अमित शाह तुम्हारी क्या औकात, तुमको भी औकात याद दिलाएंगे। इनकी हिम्मत तो देखिए, हमसे वोट लिया, हमने वोट दिया, भारत के लोगों ने वोट दिया, हमारे वोट से सरकार बनाई, और सरकार में आके इनकी हिम्मत देखिए कि आप वो बोल रहे हैं कि तुमने हमको वोट दिया था, अब तुम साबित करो कि तुम नागरिक हो या नहीं, अगर हम नागरिक नहीं है तो ये सरकार हो सकती है क्या? हम तुमसे पूछते हैं, तुम साबित करो कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम साबित करो तुम सरकार हो, औकात में रहो, अगर औकात से बाहर निकलोगे एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सबसे बड़ा नहीं होता, एक लोकतंत्र में कोई सरकार, कोई कैबिनेट सबसे बड़ा नहीं होता, लोकतंत्र में सबसे बड़े लोग होते हैं, वो हमसे है हम उनसे नहीं है। तो उन लोगों को ये बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए कि अगर औकात से बाहर निकले तो देश के नागरिक जिन्होंने तुम्हें सत्ता में बिठाया है वो कल को तुम्हें औकात याद दिला देंगे। Oh!
से सीए आया, 2 महीने बीत चुके हैं और हमारे पास एनआरसी की शुरुआत में जो एनआरसी शुरू होने वाली है देश के अंदर, सरकार का भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जब सरकार बोलती है कि हमारा कोई मोटिव नहीं है, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम एनआरसी लेकर आए, जैसे उन्होंने आजकल बोलना शुरू किया है और वो भी आपकी बदौलत बोलना शुरू किया है। 2 महीने पहले अपना सीना चौड़ा करके बोला करते थे, दावा करते कि 56 इंच का है, कभी मेजर तो हमने किया नहीं, तो अपना 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोलते थे कि देश भर में हम एनआरसी कराएंगे, पूरे देश में एनआरसी होगा। आज 2 महीने बाद जब आपके विरोध प्रदर्शन के बाद एक चीज साबित हो गई है कि इस इंसान का, इस हुकूमत का सीना 56 इंच का हो सकता है लेकिन रीढ़ की हड्डी इसके पास नहीं है। 2 महीने बाद विरोध की बात बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा एनआरसी कराने का तो कोई मकसद ही नहीं है, हम तो सिर्फ सीए लेकर आए हैं और सीए भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, सीए पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, वहां के अल्पसंख्यकों के लिए है, आपको डरने की जरूरत नहीं। वो कितना सच है उस पर आते हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं कि एनआरसी लाने का तो हम लोग कोई प्लान नहीं है, वो बिल्कुल झूठ है। जो एनआरसी हमारे देश में 50 दिन से भी कम रह गए हैं, एनआरसी आने वाला है, उसका नाम बदल दिया है, एनआरसी का नया नाम है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो आप लोगों को ये बैंड मिला है उसमें भी लिखा है नो सीए, नो एनआरसी, नो एनपीआर। इनका अब ये शब्दों से हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे सीए अलग है, एनपीआर अलग है, एनआरसी अलग है। एक बात हमें समझनी है, ये सीए है, एनआरसी, एनपीआर, ये कॉम्बो पैकेज है और हम सीए का विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं और उतना ही विरोध हम एनपीआर का भी करते हैं। तो 50-60 दिन इस विरोध प्रदर्शन को हो चुके हैं और 50-60 दिन हमारे पास बचे हैं एनपीआर आने से पहले। इन 50-60 दिनों में हमने क्या पाया और 50-60 दिन जो बचे हैं उसमें हमें क्या पाना है, इस बात को हमको जानने की जरूरत है। सबसे बड़ी जीत इन 50-60 दिनों में यही हुई है कि जिनको घमंड था, जो इनका अहंकार था, जिस घमंड से इनकी चर्बी चढ़ गई थी, पिछले 50-60 दिन में इनकी चर्बी आप लोगों ने उतारी है। जो इनको लगता था कि इनका विरोध नहीं हो सकता, आओ शाहीन बाग में, आओ मुंब्रा में, आओ कल्याण में, आओ घंटाघर में, आओ देश के 50 शाहीन बाग में, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, युवाओं तक, सब तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। कल मैं मुंबई बाग में था, मुंबई बाग में कोशिश है कुछ दिनों से कि किसी तरीके से उठा दिया जाए, और जब जब वो उठाने की कोशिश करते हैं तो अगर 1000 लोग हैं, एक मैसेज पहुंचा कि उठाने वाले हैं, 10,000 लोग आ जाते हैं। और अगर अगर ये अहमकाना हरकत करी कि दिल्ली के शाहीन बाग में, तो पिछले कुछ दिनों से क्योंकि दिल्ली का चुनाव चल रहा था और इनके पास कोई और मुद्दा नहीं, तो एक ही मुद्दा था कि शाहीन बाग को कैसे बदनाम किया जाए। शाहीन बाग में गोली भी चली, शाहीन बाग में एक रोज डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर तुमने दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर या कल्याण के अंदर या मुंबई बाग के अंदर एक भी शाहीन बाग पर हाथ लगाया, तो 850 शाहीन बाग है, कल तक 500 शाहीन बाग हो। सबसे बड़ी चीज हमारी आज यह है कि हमारी देश की सड़कें आज वापस हमारे हाथ में आई है। इन्होंने हमारी देश हमारी सड़कों को छीन लिया था, हम लोग सड़क पर आकर इनका विरोध नहीं कर पा रहे थे, आज सड़कें हमारी है, इस बात का हमने क्लियर ऐलान किया है, हमारे अंदर से डर खत्म हो गया है। आज अपना दर्द बयान करने की हमारे पास एक नई भाषा है, जो 5 साल से हमारा दर्द था, जो दर्द उस तबरेज अंसारी की बेवा शाइस्ता परवीन 19 साल की उस बेवा का जो दर्द था, मेरी यूनिवर्सिटी से आने वाला एक स्टूडेंट नजीब अहमद जो 3.5 साल से गायब है, उसकी माँ का जो दर्द था, जो तमाम मजलूमों का दर्द था, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, हिंदू हो, उन तमाम लोगों का दर्द, उस दर्द को बयान करने का आज हमारे पास एक जज्बा है, एक भाषा है। और इतना याद कर लो, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, नरेंद्र मोदी, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना।
ये पांच साल में जो कुछ हमने दर्द सहा, अब हम दर्द सहेंगे नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अब हम आज यहाँ अपने दर्द बयान करने आए हैं, लेकिन हम मायूस नहीं है। जब मैं शाहीन बाग जाता हूँ या आज यहाँ के शाहीन बाग में हूँ या अभी कुछ देर बाद भिवंडी जाऊंगा या कल कल्याण गया था, मुंबई भाग गया था, तो हम यहाँ मायूस लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग यहाँ रो नहीं रहे हैं, हम इंकलाब ला रहे हैं और इंकलाब का मतलब है अवाम का जश्न। हम जश्न मना रहे हैं, अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं। हम मुस्लिम लोग नहीं है, हम रोने वाले लोग नहीं है। जब आप किसी को मारते हैं तो नो डाउट हमारे दिल में भी दर्द होता है। तफरीज अंसारी का वो वीडियो देख के, शाइस्ता परवीन की वो चीखें सुन के हमारे दिल में भी दर्द होता है, लेकिन हम सिर्फ दर्द सहना नहीं जानते, दर्द को समझ के, जुल्म को समझ के तुमसे लड़ना भी जानते हैं, तुम्हारा मुकाबला करना भी जानते हैं। तो आज सबसे बड़ी जीत है कि आज दर्द बयान करने की भाषा है, जो इनका एक ऑरा था कि हम कभी नहीं हारेंगे, हमारी कोई मुखालफत नहीं कर सकता, उस ऑरे को हमने चकनाचूर कर दिया है। ये भी हमारी जीत है, ये भी हमारी जीत है कि अब अपने ही शब्द खा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर को दिल्ली के अंदर बोला, 22 दिसंबर को नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया और मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि हमारा प्रधानमंत्री है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमें यह नहीं पता था कि हमने झूठ बोलने की प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। बोल रहे हैं कि एनआरसी शब्द का जिक्र पिछले 5 साल में कभी हुआ ही नहीं, एनआरसी शब्द का जिक्र पिछले 5 साल में कभी हुआ ही नहीं। डिटेंशन सेंटर हमारे देश में है ही नहीं, असम के अंदर 29 लोगों की मौत हो गई और हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हमारे देश में डिटेंशन सेंटर ही नहीं है। अलग अलग राज्यों में डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि नहीं डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। देश में उनके गृह मंत्री जो पहले उनके पार्टी के प्रेसिडेंट थे, देश भर में घूम घूम के गंद फैला रहे थे कि एनआरसी कराएंगे और बेशर्मी से प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हम आपको एनआरसी नहीं कराएंगे। अब सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? अगर नरेंद्र मोदी सच बोल रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी सच्चे हैं तो गृह मंत्री झूठे हैं, अगर गृह मंत्री सच्चे हैं तो नरेंद्र मोदी झूठे हैं, इनमें से कोई सच्चा नहीं है, सब झूठे और मक्कार लोग। लेकिन अगर आज ये झूठ बोलने में मजबूर हुए हैं, जो इनका सबसे बड़ा देश को बांटने का हथियार था एनआरसी, अगर आज इसको वापस जा रहे हैं तो वो भी हमारे आंदोलन की जीत है। इस आंदोलन का पहला राउंड हम लोग जीत चुके हैं। देश में अलग अलग जो और सरकारें हैं वो तमाम सरकारें बोल रही हैं कि हम अपने राज्यों में एनआरसी लागू नहीं करेंगे, ये भी हमारी जीत है। ये राउंड वन की जीते हैं, अब क्या क्या हम अभी तक नहीं जीते हैं और अगले 50 दिन में हमें किसको मुद्दा बनाना है, क्योंकि इस बात को लेकर हमें बिल्कुल भी हल्का नहीं पड़ना है, घरों में वापस नहीं जाना है कि हमने इतना कुछ मजबूर कर दिया सरकार को, अभी बहुत कुछ और मजबूर करना है। नरेंद्र मोदी से वादा रहा, अभी तो आपने मुंह से बोला है कि एनआरसी नहीं लाएंगे, आपसे वादा रहा आपको मजबूर करा के आपसे लिखित में लेकर आएंगे कि एनआरसी नहीं लाएंगे। लेकिन अभी मैं जब यहां बंबई पहुंचा 2 दिन पहले तो मैंने आपके मुख्यमंत्री का बयान सुना, उन्होंने बोला कि जब तक मैं यहां हूं, उद्धव ठाकरे साहब ने बोला जब तक मैं यहां हूं महाराष्ट्र के अंदर एनआरसी नहीं होगा। लेकिन मुझे यह बयान थोड़ा सा बेमानी लगता है, मुझे यह बयान थोड़ा सा खोखला लगता है, क्योंकि अब जो केंद्र सरकार का प्लान है वो एनआरसी नहीं लेकर आएंगे, पहला कदम एनआरसी नहीं होने वाला है। जो जैसे असम में हुआ कि सबको लाइन में लगवा के कागज मंगवाए गए, वो नहीं होने वाला है। हमने बोला कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमसे वो 1 अप्रैल को कागज मांगने नहीं आने वाले। तो जब उद्धव ठाकरे साहब या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब
जब वो बोलते हैं कि हमारे राज्य में एनआरसी नहीं होगा तो ये बयान मुझे खोखले लगते हैं, क्योंकि वो एनपीआर पे कुछ नहीं बोलते। एनपीआर एनआरसी का पहला कदम होने वाला है। तो अगर आपका बयान सच्चा है और आप सही में इस देश को बांटने की साजिश के खिलाफ आप और आपकी सरकार खड़ी है, तो आपसे हमारी अपील है, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे हमारी दरखास्त है कि आप इस बात को भी खुले तौर पे बोलिए, लिखित में बोलिए, अपने असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन लेकर आइए कि महाराष्ट्र के अंदर एनपीआर नहीं होगा। ये आपसे अपील है हमारी। आज हम अपील कर रहे हैं, आज हम दरखास्त कर रहे हैं, हम बहुत हम्बली बहुत विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि हम लोग जो यहां बैठे हैं हम सियासी लोग नहीं, हम किसी सियासी मुफाद के लिए नहीं आए, किसी सियासी फायदे के लिए हमारी माएं बहनें बाहर नहीं आई, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमें किसी वोट बैंक की परवाह नहीं है, हम लोग अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए आए हैं। तो अगर हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मुखालफत कर सकते हैं, ये बात जितने नॉन बीजेपी सरकारें हैं वो कान खोल के सुन लें, हम आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक चेतावनी भी है आपको। आज हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमको बीजेपी के विरोध का कोई शौक नहीं है, हमको अपने हक और अधिकार बचाने हैं। अब उस हक और अधिकार की लड़ाई के बीच में अगर शिवसेना आएगी, अगर राष्ट्रवादी आएगी, अगर कांग्रेस आएगी, अगर जेडीयू आएगी, अगर टीएमसी आएगी, कोई भी पार्टी आएगी, तो उससे भी मुखालफत करने में, उसका विरोध करने में हम कतराएंगे। थोड़ा इनके साजिश को समझने की जरूरत है। 1 अप्रैल को जब आपके घर आएंगे तो कागज मांगने नहीं आएंगे, वो एक फॉर्म लेकर आएंगे आप, जैसे सेंसस होता है, और ये बोलेंगे सेंसस ही है, सेंसस की तरह ही है, आप बस 4-5 सवालों के जवाब दे दीजिए। आप क्यों डर रहे हैं? हम तो कोई कागज मांगने नहीं आए, ये तो आपको डराया गया है कि कागज मांगने आएंगे, हम तो सिर्फ 5-6 सवाल पूछने आए। उन सवालों में एनआरसी अंदर घुसा हुआ है, उन सवालों में। ये बात सही है कि एनपीआर पहले भी हुआ है, ये बात सही है कांग्रेस सरकारों में भी एनपीआर हुआ है, लेकिन जब के एनपीआर और अब के एनपीआर में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अब एनपीआर नागरिकता कानून के अंदर हो रहा है, अब एनपीआर में नए सवाल जोड़े गए। अमित शाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इंटरव्यू दिया कि एनपीआर का एनआरसी कोई लिंक नहीं है, बोला एनपीआर तो सिर्फ और सिर्फ एक पूरी पॉपुलेशन का रजिस्टर है कि हमको पता चल जाए कि कितने लोग कहां रहते हैं, कि कल को हम विकास का कोई काम लेकर आए तो हम लोगों तक पहुंचा सके, उसके लिए हम एक रजिस्टर बना रहे हैं। तो एक बात उनसे पूछना चाहूंगा, अगर विकास का काम आप मुझ तक या जो लोग बैठे हैं इन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको ये क्यों जानना कि मेरे वालिद साहब कब पैदा हुए थे और कहां पैदा हुए थे, मेरे वालिद के वालिद साहब वो कब पैदा हुए थे और कहां पैदा हुए थे। ये बैकडोर से एनआरसी है, जिसे एनआरसी में 30-40 साल पुराने डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, मांगा जा रहा था कि आप अपने पूर्वजों का हिसाब दीजिए। ये एक सवाल के जरिए ये लोग हमारे फिर से पूर्वजों का सवाल मांग रहे हैं। तो एक चीज हमको मान लेना पड़ेगा, एक चीज हमको जान लेना पड़ेगा कि एनपीआर के थ्रू अगर एनआरसी होगा तो वो कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, असम के एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब आपसे कागज नहीं मांगे जा रहे, तमाम लोगों से कागज नहीं मांगे जा रहे, कुछ लोग आएंगे आपसे सवालों के जवाब लेके जाएंगे, अपने दफ्तर में वापस जाएंगे, दफ्तर में वापस जाके कुछ लोगों के नाम के आगे डी लिख देंगे, डी मतलब डाउटफुल, डी मतलब उनको डाउट है, उनको संदेह है आपके ऊपर, वो जिनके नाम के आगे डी लगा होगा, जिनको संदिग्ध नागरिक बोला जाएगा, उनसे माना जाएगा कि तुम कागज लेकर आओ और तुम साबित करो कि तुम नागरिक हो या नहीं। मतलब कुछ बाबू कुछ सरकारी अफसर वो डिसाइड करेंगे कि कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से हमने बोले कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, उतना ही जरूरी है कि हम बोले कि हम कागज में कुछ नहीं लिखवाएंगे, एनपीआर के अफसरों को अपने मोहल्लों में नहीं आने देंगे।